हौज़बिल्लाह मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने लगे हैं ENG 505 का लेसन नंबर 34। पिछले दो चैप्टर्स में हम इंडिविजुअल लर्निंग डिफरेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, इसका पार्ट थ्री आज इस चैप्टर में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। लर्नर एज अ सोशल बीइंग, स्टीरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन। लैंग्वेज एज अ सोशल फिनोमेनन विच एंगेज ह्यूमन बीइंग्स फॉर कम्युनिकेशन पर्पसेस, इट इज नॉट व्यूड एज अ सिंपल कोड विच ओनली इन्वॉल्व लर्निंग वोकैबुलरी एंड अ रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस। लैंग्वेज इज अ डायनेमिक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, अ सोशल प्रैक्टिस ऑफ मीनिंग मेकिंग एंड इंटरप्रिटेशन। अच्छा, इसमें यह बताया गया है कि जो लैंग्वेज है उसे हम जस्ट ऐसे नहीं कह सकते, लैंग्वेज की डिफिनेशन को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते कि ये जस्ट वोकैबुलरी को याद करना और सेंटेंसेस बनाना वर्ड्स की मदद से और रूल्स को मेमोराइज करना। लैंग्वेज सिर्फ ये नहीं है बल्कि लैंग्वेज मीन ऑफ कम्युनिकेशन है और ये एक सोशल प्रैक्टिस है। द स्पीकर हैज़ टू बी एन असर्टिव पार्टिसिपेंट इन कम्युनिकेशन इन ऑर्डर टू बी अ सोशल बीइंग्स। व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट आवर मैसेज अकॉर्डिंग टू आवर इंटेंशंस, आवर कंस्ट्रेंट्स एंड पॉसिबिलिटीज, आवर रोल्स एंड रिलेशनशिप्स, इट बिकम्स अ सोशल प्रैक्टिस। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि जब हम अपने मीनिंग कन्वे कर रहे होते हैं, अपना इंटेंटेड मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं वाइल कन्वर्सेशन, तो हम एक सोशल प्रैक्टिस में इंगेज होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टू कॉन्सेप्ट आगे बताए गए हैं, स्टीरियोटाइपिंग एंड जनरलाइजेशन। स्टीरियोटाइपिंग में बेसिकली ये होता है कि फ़र्ज़ करें कि आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पे आप जाते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, आप वहाँ पे दूसरी बार जाते हैं, तीसरी बार, तो वहाँ पे अक्सर लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो आप अपने माइंड में एक अजम्पशन बना लेंगे कि वहाँ के लोग जो हैं वो क्रिकेट के शौकीन हैं। तो ये होगा स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कि अजम्पशन बना लेना, पूरे ग्रुप को एक इक्वालिटी उनको दे देना कि वो ये काम करते हैं, उनमें ये खसूसियत है। और जनरलाइजेशन में ये होता है कि जहाँ पे जो कैटेगराइजिंग होती है वो किसी भी वजह से हो सकती है, मतलब उनका मज़हब एक हो, उनकी कंट्री एक हो, उनका रिलीजन, मतलब कुछ भी उनमें सेम जो एक क्वालिटी हो उसकी वजह से। जैसे अब जैसे कह सकते हैं कि किसी कोई टीम जो है वो हमेशा वक्त पर आती है प्लेग्राउंड में, तो आप कह सकते हैं कि वो वाले जो उस कंट्री की टीम है, वो वाले जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा वक्त के पाबंद हैं, तो किसी एक क्वालिटी की वजह से उन सब लोगों को यानी कि उन सब लोग को वो क्वालिटी रेफ़र करना, उस सब की वजह से उनको जानना, उनकी पहचान वो बना लेना, तो ये होती है जनरलाइजेशन। स्टीरियोटाइपिंग स्टीरियोटाइपिंग इज़ द कॉग्निटिव कंपोनेंट, इज़ द परसेप्शन ऑफ ग्रुप मेंबर्स, द पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये जो अजम्पशंस होती हैं ये हमारी पॉजिटिव भी हो सकती हैं, नेगेटिव भी हो सकती हैं। बिलीव्स दैट वी होल्ड अबाउट द करेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल ग्रुप्स, वेर इज जनरलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द पार्ट्स ऑफ होल एज द बिलोंगिंग टू द होल। मतलब जनरलाइजेशन में हम उन लोगों को, किसी ग्रुप को उस क्वालिटी की वजह से आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द नोशन दैट आवर स्टेटमेंट्स एंड बिलीव्स अबाउट अ ग्रुप्स ऑफ पीपल, ऑल दो फैक्चुअल माइट नॉट बी ट्रू और एवरी सिंगल पर्सन ऑफ दैट ग्रुप। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि उस जो टीम के या उस वहाँ के लोगों के हर एक बंदे में वो खसूसियत हो, उनको एज अ होल हम वो खसूसियत रेफ़र कर रहे होते हैं। सेकेंड, कल्चर एक्विजिशन एंड सोशल डिस्टेंसेज। सेकेंड कल्चर एक्विजिशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड कल्चर एक्विजिशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन। द प्रोसेस ऑफ SLA इज इट्स सक्सेस एंड द सब्जेक्ट्स अकम्पेन्ड बाई सेकेंड कल्चर एक्विजिशन SCA, सेकेंड कल्चर एक्विजिशन। अब यह है कि जब एक जो लर्नर है वो जब किसी सेकंड लैंग्वेज को सीख रहा होता है, तो वो साथ साथ उस लैंग्वेज, उस कंट्री की, जिस कंट्री की लैंग्वेज होती है वहाँ का वो कल्चर भी सीख रहा होता है। यानी ये जो टू टर्म्स हैं, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन एंड सेकंड कल्चर एक्विजिशन, ये आपस में रिलेटेड हैं। SCA asserts that acquiring of new culture knowledge enables learner to be more proficient in SL. अब जो वहाँ का अगर कल्चर जो है वो लर्नर अच्छी तरह सीख लेता है, उसको समझ लेता है, तो वहाँ की जो लैंग्वेज होगी उसको समझना, उसमें प्रोफिशिएंट होना लर्नर के लिए ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे कल्चर एक्विजिशन के कुछ स्टेजेस बताए गए हैं कि लर्नर जब किसी दूसरे कल्चर को एक्वायर कर रहा होता है, किसी दूसरे कल्चर को सीख रहा होता है, तो वो कौन कौन से स्टेजेस से गुजर रहा होता है। स्टेज वन इज़ अ पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट एंड एफोरिया ओवर द न्यूनेस ऑफ सराउंडिंग्स। फर्स्ट स्टेज में वो बहुत एक्साइटेड होता है न्यू कल्चर को लेके, क्योंकि न्यू चीज़ें वहाँ पे उसे सीखने को मिल रही होती हैं। सेकंड स्टेज इज़ अबाउट कल्चर शॉक एंड इमर्ज एज इंडिविजुअल फील्ड्स द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मोर एंड मोर कल्चर डिफरेंसेज इनटू देयर ओन इमेजेस ऑफ सेल्फ एंड सिक्योरिटी। अब सेकंड स्टेज में जाके वो जब न्यू कल्चर्स को अडॉप्ट कर रहा होता है, सीख रहा होता है, उसे वाकिफ हो रहा होता है, तो वो उसे अपने जो फर्स्ट लैंग्वेज या उसका अपना जो कल्चर होता है, जहाँ से वो बिलोंग करता होता है, उस कंट्री का जो कल्चर होता है,
वो इसे कंपेयर कर रहा होता है और उसे वो डिफरेंसेस वाजिया नज़र आ रहे होते हैं। स्टेज थ्री इज़ अ वेरी ग्रेजुअल स्टेज दैट रिप्रेजेंटेड टेंटेटिव एंड वेसिलेटिंग रिकवरी। द स्टेज इज टाइपिफाइड बाई वर्ड लर्सन एंड सेमेलिक कॉल्ड कल्चर स्ट्रेस। अब जो थ्री स्टेज है ये एक ग्रेजुअल स्टेज है और इसमें यह होता है कि जो इस स्टेज को लहरसन और सेमेले ने कल्चर स्ट्रेस का जो वर्ड है वो इस स्टेज के लिए बेसिकली यूज़ किया है। सम प्रॉब्लम्स ऑफ कल्चरेशन एंड सॉल्व वाइल अदर प्रॉब्लम्स कंटिन्यू फॉर सम टाइम्स। मतलब कल्चरेशन का ये प्रोसेस ये होता है कि जब कल्चर ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं, जब वो टू कल्चर्स आपस में ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं तो इस स्टेज में जाके लर्नर को कहीं पे डिफ़िकल्टीज हो रही होती हैं और कहीं पे उसे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व भी हो रहे होते हैं। स्टेज फोर रिप्रेजेंट्स नियर फॉर फुल रिकवरी आइदर एमुलेशन और अडाप्टेशन। इट इज़ एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू कल्चर एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस इन द न्यू पर्सन दैट हैज़ डिवेलप्ड इन दिस कल्चर। अब जो फोर्थ स्टेज होता है उस पे जाके असिमिलेशंस का प्रोसेस ये होता है ना कि अपने कल्चर के अलावा किसी और कल्चर को अडॉप्ट करना, तो वो फोर्थ स्टेज पे पहुंच के उस कल्चर को अडॉप्ट कर चुका होता है और वो मतलब कि एक तरह से कॉन्फिडेंट होता है कि अब उसके लिए लैंग्वेज लर्निंग का जो प्रोसेस होता है वो भी ईजी हो चुका होता है और वो अपने आप को एक न्यू कल्चर में एक उस कल्चर का एक पर्सन तसव्वुर कर रहा होता है। सोशल डिस्टेंसेज डील विद द कॉग्निटिव एंड इफेक्टिव प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू कल्चर्स एंड कम इन टू कॉन्टैक्ट विद एन इंडिविजुअल। इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ गैप द टर्म डिस्टेंस इज यूज टू डिपिक्ट सिमिलैरिटीज बिटवीन टू कल्चर्स। अब यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज़ किया डिस्टेंस, तो इसका मतलब है कि जो टू कल्चर्स में जो डिससिमिलैरिटीज़ होती हैं ये बेसिकली उस चीज़ को रेफ़र कर रही है। अब शोमैन का जो मॉडल था वहाँ पे उसने कुछ पैरामीटर्स बताए थे सोशल डिस्टेंस के लिए। वो पैरामीटर्स क्या थे? डोमिनेंस, डोमिनेट, नॉन डोमिनेट, सब डोमिनेट, सब ऑर्डिनेट। इसका ये मतलब है कि डोमिनेट के वहाँ पे कौन से जो ग्रुप्स हैं उनका जो कल्चर है, कौन से ग्रुप वहाँ पे डोमिनेट है, वहाँ पे हावी है। नॉन डोमिनेट जो कि डोमिनेट नहीं है, और सब ऑर्डिनेट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनको बिल्कुल लोअर स्टेटस होता है, जिनका बिल्कुल लोअर रैंक होता है किसी कम्युनिटी में। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन पैटर्न, एजेमुलेशन, एक्लचुरेशन एंड प्रिजर्वेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन पैटर्न में यहाँ थ्री उन्होंने टर्म्स बताई हैं। एजेमुलेशन मतलब कि अपने कल्चर के अलावा किसी और कल्चर को सीखना, अडॉप्ट करने का जो प्रोसेस है। कल्चरेशन में टू कल्चर्स, टू ग्रुप्स आपस में कल्चर्स को मतलब ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक दूसरे के कल्चर को। और प्रिजर्वेशन, कोई बंदा या कोई ग्रुप अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए जो एफर्ट कर रहा होता है अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, वो होती है प्रिजर्वेशन। कोहेसिवनेस, साइज ऑफ एल टू ग्रुप, वहाँ पे कोहेसिवनेस में ये आ जाता है कि वहाँ पे जो जितने सारे ग्रुप्स हैं, जितने सारे कल्चर हैं, उनमें किस हद तक वो आपस में लिंक्ड है, उनमें कोहेसिवनेस किस हद तक है। कंगेरेंस, सिमिलैरिटीज ऑफ वैल्यूज एंड बिलीव्स इन टू ग्रुप्स एंड देयर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो कल्चर्स हैं, वो किस तरह से उनके जो बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं वो किस तरह से आपस में सिमिलर हैं, उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो कॉन्गेरेंस में बेसिकली ये चीज़ होती है। और परमानेंस में कि वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जो कल्चर हैं, उनकी जो लैंग्वेजेस हैं, वो कितने टाइम से वहाँ पे लोग रह रहे हैं और कितने टाइम से वो लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 110 है, लैंग्वेज, कल्चर एंड थाट। यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया गया क्रम्स का। अकॉर्डिंग टू क्रम्स, लैंग्वेज एक्सप्रेस कल्चर रियलिटी एज अ स्पीकर कम्युनिकेट देयर आइडियाज, फीलिंग्स एंड फैक्ट थ्रू लैंग्वेज बोथ इन इंटर एंड इंट्रा सोशल सेटअप्स। मतलब कि लैंग्वेज जो है वो एक कल्चर रियलिटी को एक्सप्रेस कर रही होती है, जिसमें जो स्पीकर है वो अपने आइडियाज, फीलिंग्स और फैक्ट जो है वो लैंग्वेज के जरिए एक्सप्रेस कर रहा होता है बोथ इंटर एंड इंट्रा सोशल सेटअप्स में। अब ये लैंग्वेज, कल्चर और थाट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो इंट्रैक्शन, मतलब इनमें जो इंटरकनेक्शन है, वो उन्होंने सैपरवॉफ के हाइपोथेसिस में बहुत डिटेल से बयान हुई है। सैपरवॉफ हाइपोथेसिस अबाउट लैंग्वेज एंड थॉट इन्जॉयज ग्रेट पॉपुलैरिटी इन फील्ड ऑफ एसएलए। दे रेफर दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज पीपल हैबिचुअली यूज इन्फ्लुएंस द वे दैट दे थिंक एंड बिहेव। Different languages offer people different ways to express the world around. They think and speak differently. अब उनका ये कहना था कि हमारी जो language होती है वो हमारी thoughts पे असरअंदाज हो रही होती है। अगर different languages के speaker होंगे तो उनके जो thinking habits है वो भी different होंगी। इन्होंने two concepts हमें provide किए थे, linguistic determinism and linguistic relativity. Linguistic determinism में वो लोग कहते हैं कि जो दुनिया को देखने का एक बंदे का इंडिविजुअल का जो नज़रिया होता है वो उसकी लैंग्वेज की वजह से होता है, वो लैंग्वेज डिटरमिन कर रही होती है, वो जैसी लैंग्वेज बोलता है वो उस तरह के नज़रिए से दुनिया को देखता है। और लिंग्विस्टिक रिलेटिवली में वो ये कहते हैं कि हमारी जो
लैंग्वेज होती है वो हमारी थॉट्स को डिटरमिन कर रही होती है। अब इनका जो नज़रिया था उस पर क्रिटिसिज्म हुआ था, इनके हाइपोथेसिस पे क्रिटिसिज्म के पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इफ़ लैंग्वेज डिटरमिन थॉट्स देन इट मस्ट प्रोसीड थॉट, नॉट ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्व लैंग्वेज बट टू इवॉल्व थॉट, यानी कि कुछ ऐसी भी हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें लैंग्वेज इवॉल्व नहीं होती है बट उनमें थॉट्स इन्वॉल्व होती हैं। तो ये इस नज़रिए को डिनाई करता है कि लैंग्वेज डिटरमाइन थॉट्स। इवन प्री लिंग्विस्टिक्स बेबीज़ कैन थिंक, अब ऐसे बच्चे जो कि न्यूली बॉर्न होते हैं जब तक वो लैंग्वेज स्पीक नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि क्या वो सोच नहीं सकते, क्या उनकी थिंकिंग एबिलिटीज़ नहीं होती है। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट था। नेक्स्ट, डिफरेंसेज आर नॉट इन थॉट्स बट इन वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द सेम थॉट्स, मतलब कि थॉट्स में डिफरेंसेज नहीं होते हैं, थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो हर बंदे का तरीका डिफरेंट हो सकता है, अदरवाइज इट वुड बी इम्पॉसिबल टू ट्रांसलेट, इसके अलावा इसको ट्रांसलेट करना इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 35, लैंग्वेज लर्निंग पेडागोजी, नेचर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग थ्योरीज पेडागोजी एंड डेवलपिंग रेलेवेंट थ्योरीज। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस होता है वो जस्ट सिंपल प्रोसेस नहीं है कि हम पहले वोकैबुलरी याद करेंगे और सेंटेंसेस बनाएंगे, सिर्फ ये प्रोसेस नहीं है बल्कि एक सोशल एक्टिविटी है। The distinctive characteristic of human learning is that it is process of making meaning, a semiotic process. अच्छा, semiotic process क्या होता है कि हम symbols की मदद से, ये semiotic basically study of symbols आप कह सकते हैं कि हम symbols से किस तरह से meaning generate कर रहे होते हैं, and the prototypical form of human semiotics. Developing relevant theories. SLA research has made relevant contribution to language pedagogy. यहाँ पे जो SLA की field है इसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है किसको, लैंग्वेज टीचिंग को, लैंग्वेज पेडागोजी को। अब ये लैंग्वेज लर्निंग को किस तरह से देखती है, SLA views टीचिंग एज ए इनिशिएटिव नॉलेज दैट टेक्स द फॉर्म ऑफ थ्योरीज, टीचिंग एज कॉग्निशन और एज अ क्राफ्ट वेयर द कॉन्टेक्स्ट गाइड्स द टीचर मूवमेंट टू मूवमेंट डिसीजंस, जहाँ पे वो एज अ क्राफ्ट देख रहे होते हैं, जहाँ पे जो टीचर्स को मूवमेंट टू मूवमेंट गाइड कर रही होती है। डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च आल्सो नॉन एज डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा, ये वाला एक्सक्यूज में भी आया हुआ है कि जो डिज़ाइन बेस्ड रिसर्च है उसको हम और क्या कह सकते हैं, वो और किस नाम से जानी जाती है, डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट बाय कॉलिंस। यहाँ पे कुछ नीड्स जो हैं वो एड्रेस की गई हैं सेंट्रल स्टडी ऑफ लर्निंग के बारे में। द नीड टू एड्रेस थ्योरेटिकल क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि हमारी जो लर्निंग है वो इस चीज़ की नीड को एड्रेस करती है कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से लर्निंग, नेचर ऑफ द लर्निंग के बारे में थ्योरेटिकल क्वेश्चन किस तरह से एड्रेस की जाए। द नीड फॉर अप्रोचेज टू द स्टडी ऑफ लर्निंग फिनोमेना इन द रियल वर्ल्ड सिचुएशन रादर देन इन अ लेबोरेटरी, मतलब कि लर्निंग को एज अ रियल वर्ल्ड सिचुएशन के तौर पर स्टडी किया जाए रादर देन लेबोरेटरी। द नीड टू गो बियॉन्ड the narrow measures of learning, the need to derive research findings from the formative evolutions, or formative evolution से research findings drive की जाए। conducting classroom research. Classroom research is a recent trend that has been emerging due to several need of designing lessons according to specific needs of learner, मतलब कि specific needs, learner की specific needs को मद्देनजर रखते हुए ये newly introduce करवाया गया है ये वाला क्लासरूम रिसर्च का कॉन्सेप्ट। ये वाला एमसीक्यू में भी आ सकता है, CCR एब्रीवेशन है क्लासरूम सेंटर्ड रिसर्च। ये क्लासरूम को किस तरह से देखती है, क्लासरूम सेंटर्ड रिसर्च व्यूज क्लासरूम एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, ये उसे रिसर्च के ऑब्जेक्ट के तौर पर देखती है एंड नॉट सिंपली द सेटिंग फॉर रिसर्च। द CCR डिटरमिन्स नॉट ओनली व्हाट हैपेंस इन द क्लासरूम बट ऑल्सो द कंडीशन दैट कैन इफेक्ट टीचिंग एंड डिटरमिन नॉट ओनली एंड लर्निंग प्रोसेस, ये ना सिर्फ जो क्लासरूम में जो कुछ हैपन्स हो रहा है उसको देख रही होती है, उस चीज़ को स्टडी कर रही होती है, बल्कि वो वाली कंडीशन जो कि टीचिंग पे और लर्निंग पे असरअंदाज हो रही होती हैं उनको भी बयान करती है। आगे जी हमारे पास मेकिंग रिसर्च एक्सेसिबल टू टीचर्स एंड फैसिलिटेटिंग एक्शन रिसर्च। फॉर इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस इट इज़ इंपेरेटिव टू मेक रिसर्च एक्सेसिबल टू टीचर्स, इट कंट्रीब्यूट टू द प्रोफेशनल डिवेलपमेंट्स ऑफ टीचर्स एंड इक्विप्स देम विद अपडेटेड मेथोडोलॉजीज, मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिस के लिए टीचर्स को जो अपडेटेड मेथडोलॉजीज हैं उनसे मुतारिफ करवाना ज़रूरी है। यहाँ पे 10 जर्नलाइजेशन बताई गई हैं फ्रॉम SLA रिसर्च। जर्नलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़रूरी नहीं है कि यानी इस ग्रुप का या जिनके बारे में हम बात करें हर बंदे में ये खसूसियात हो या हर किसी के साथ ऐसा होता हो, लेकिन मोस्टली ऐसा हो रहा होता है। तो वो 10 जर्नलाइजेशन के यहाँ देख लेते हैं। अडल्ट एंड अडल्ट कैन अक्वायर अ सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि अडल्ट और जो चाइल्ड हैं वो दोनों
सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर कर सकते हैं. द लर्नर क्रिएट्स अ सिस्टमैटिक इंटर लैंग्वेज विच इज़ ऑफन करेक्टराइज बाय द सिस्टमैटिक एरर एज कमिटेड बाय द नेटिव चाइल्ड्स लर्निंग द सेम लैंग्वेज एज द लैंग्वेज एज वेल एज अदर विच अपीयर टू बी बेस्ड ऑन लर्नर्स ऑन नेटिव लैंग्वेज. मतलब कि भाई लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज जो लर्नर होते हैं वो ज़्यादातर सेम मिस्टेक्स कर रहे होते हैं और वो वाली जो मिस्टेक्स होती हैं वो नेटिव स्पीकर्स के जो चाइल्ड होते हैं वो भी कर रहे होते हैं. और जिस तरह से हम अपनी फर्स्ट लैंग्वेज की फर्स्ट लैंग्वेज में मिस्टेक्स करते हैं. देर आर प्रिडिक्टेबल सीक्वेंसेज इन एल टू एक्विजिशन दैट सर्टन स्ट्रक्चर हैव टू बी एक्वायर्ड बिफोर अदर कैन बी इंटीग्रेटेड. अब सेकेंड लैंग्वेज को जब हम सीख रहे होते हैं उसकी एक्विजिशन के दौरान कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे रूल्स आप कह सकते हैं जिन्हें कोई मतलब अगले स्टेप पे जाने से पहले वो रूल सीखना ज़रूरी होता है. जैसे आप एक सेंटेंस मेकिंग सीखना चाहते हैं तो पहले आपने एक वर्ड फिर फ्रेज और फिर आप सेंटेंस लेवल पे जाएंगे. तो इसी तरह से कुछ रूल से पहले सीखने ज़रूरी होते हैं. प्रैक्टिस डज नॉट मेक्स द लर्नर परफेक्ट. अब ये एक जनरलाइजेशन है कि जस्ट आप प्रैक्टिस करते हुए सेकंड लैंग्वेज को लर्न नहीं कर सकते हैं. यहाँ पे प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट वाला रूल अप्लाई नहीं होता है. नोइंग अ लैंग्वेज रूल डू नॉट मीन वन विल बी एबल टू यूज़ इन कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन. अब लैंग्वेज के अगर आप रूल सीख लेते हैं तो ये इस चीज़ की गारंटी नहीं है कि आप रियल लाइफ कन्वर्सेशन में भी उन रूल्स को अप्लाई करके और सही तरह से आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं. आइसोलेटेड एक्सप्लिसिट एरर करेक्शंस इज़ यूजुअली इनइफेक्टिव इन चेंजिंग लैंग्वेज बिहेवियर. अगर आप आइसोलेटेड में लैंग्वेज को सीख रहे होते हैं आइसोलेटेड एक्सप्लिसिट जो एरर्स हैं उनकी करेक्शन करके आप अपने बिहेवियर्स को चेंज करने के लिए यानी ये इफ़ेक्टिव नहीं है. फॉर मोस्ट अडल्ट लर्नर एक्विजिशन स्टॉप्स बिफोर द लर्नर हैज़ अचीव्ड नेटिव लाइक मास्टरी ऑफ द टारगेट लैंग्वेज. अब कुछ जो लर्नर होते हैं वाई लर्निंग अ सेकंड लैंग्वेज वो बस कुछ हद तक लैंग्वेज को सीख के और फिर छोड़ देते हैं. मतलब वो नेटिव स्पीकर्स जितनी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं वो उस लेवल पे नहीं जाते हैं, वो पहले ही छोड़ देते हैं. वन कैन नॉट अचीव नेटिव और नियर नेटिव लाइक कमांड ऑन अ सेकंड लैंग्वेज इन वन आवर अ डे. अगर एक बंदा एक दिन में सिर्फ एक घंटा सेकंड लैंग्वेज को सीखने में दे रहा है तो वो नेटिव लाइक मतलब कि नेटिव स्पीकर जैसी वो लैंग्वेज का जो लेवल है वो अचीव नहीं कर सकता. यानी एक घंटा काफ़ी नहीं है. द लर्नर टास्क इज इनॉर्मस बिकॉज लैंग्वेज इज इनॉर्मली कम्प्लेक्स. जो लैंग्वेज लर्निंग का प्रोसेस है ये कम्प्लेक्स है. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज खुद एक बहुत कम्प्लेक्स फिनोमेना है. अ लर्नर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड यूजिंग इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट एक्सीड्स हिज एबिलिटी टू कम्प्रीहेंड डी कॉन्टेक्चुअलाइज लैंग्वेज एंड टू प्रोड्यूस लैंग्वेज ऑफ कंपेरेबल कम्प्लेक्सिटी एंड एक्यूरेसी. मतलब कि आप लैंग्वेज अगर सीख रहे हैं ना तो उसको मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में सीखें, उसके मीनिंग्स पे जाएं और उसका यूज़ सीखें. अब लैंग्वेज को एज आइसोलेटेड मतलब सर सिर्फ आप रटा लगा के उसको नहीं सीख सकते हैं, आप साथ साथ ये भी सीखें कि ये कहाँ पे किस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इसको यूज़ करना है तो वो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे सीख सकते हैं. फॉर द फेसिलिटेशन प्रोसेस ऑफ द रिसर्च रिसर्चर प्रपोज दैट रिसर्चर फॉर्म्स शुड बी प्रोवाइडेड फॉर शेयरिंग एंड लर्निंग कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च शुड बी प्रमोटेड एंड टीचर शुड बी एंगेज्ड टू बी एंगेज्ड इन डिवेलपिंग अ प्रोफेशनल टीचर शुड बी इनकरेज टू एंगेज इन डेवलपिंग अ प्रोफेशनल रिसर्च कल्चर. मतलब कि टीचर जो है वो इनकरेज होनी चाहिए एक प्रोफेशनल रिसर्च कल्चर डेवलप करने में. और जो कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें सारे कोलैबोरेटिवली मतलब कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टीचर्स और लर्नर मिल के एक रिसर्च डिज़ाइन कर रहे होते हैं.